गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र के प्रथम चरण तत्स वितुर्वरेण्यम का मर्म दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में समाया हुआ है। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। प्रकृति की गोद में, खुले वातावरण में, खुले आकाश की छाया में खूब घूमे, संसार के सौंदर्य एवं सरलता पर विचार करके प्रसन्न होते रहें। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र। गायत्री मंत्र के प्रथम चरण से एक रूप है, जानते हैं कैसे। गायत्री मंत्र के प्रथम चरण तत्स वितुर्वरेण्यम का ही विस्तार है दुर्गा सप्तशती का प्रथम चरित्र। गायत्री की तप साधना, आध्यात्मिक साधना में साधक की स्थिति क्या होती है, उसे परिस्थितियां एवं मनस्थिति के किन अवरोधों का सामना करना पड़ता है, इसका बड़ा सुमनोहर चित्रण इस काव्य कथा में किया गया है। अपने इन अवरोधों के निवारण निराकरण के लिए आध्यात्मिक साधक को सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वही जब उसे महामाया के तत्व का, गायत्री के सत्य का बोध कराते हैं, तो उसकी साधना के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। इस प्रथम चरण में उसे तमस चारों ओर से घेर लेता है। इस महाअंधियारे की संतान उसकी अभीप्सा को, उसके आध्यात्मिक मन को लील जाना चाहती हैं। तब उसका आध्यात्मिक मन गुरु मंत्र का स्मरण करता है और पुकारता है उस परमात्मा को, आदि जननी को, जो गायत्री महामंत्र के प्रथम चरण की अधिष्ठात्री हैं। उसके करुण स्वर कहते हैं कि हे माता, ये अंधियारा भयावह है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, स्वयं परमेश्वर भी योग निद्रा में लीन है, ऐसे में भला कौन करेगा साधना के अवरोध असुरों का सहार। जो साधक हैं वे सदा ही इस सत्य से परिचित हैं कि शब्द अनसुने रह जाते हैं, पर आकुल अभीप्सा हमारी प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं रहती। आदि शक्ति गायत्री महामाया महाकाली का रूप धरकर कालरात्रि बनकर तमस को दूर करती हैं, और तब योग निद्रालीन परमेश्वर विहसकर असुरों से संवाद करते हैं। तमस की ये संतानें महामाया की कृपा से स्वयं ही तमस के अधीन हो जाती हैं और मोहग्रस्त होकर अपनी इसी अवस्था में विवरदाता सर्वेश्वर से वर मांगने को कहती हैं। इस वर प्राप्ति के रूप में उनका वध होता है और सृष्टि का अंकुरण प्रारंभ होता है। ये संपूर्ण कथा श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्र काव्य के प्रथम चरित्र में मुखरित है। इसी को सूत्र रूप में तत्स वितुर्वरेण्यम में पिरोया गया है। यदि इस सूत्र में गायत्री महामंत्र के प्रथम चरण में इस सत्य को खोजें, तो मंत्र कथा स्वयं ही साधक की चेतना में मुखरित होने लगती है। गायत्री महामंत्र के प्रथम चरण में केवल तीन शब्द हैं, तत्, दूसरा है सवितुः और तीसरा है वरेण्यम। इनमें प्रथम दो शब्द परमात्मा की दो अवस्थाओं के घोतक हैं और तीसरे शब्द में आध्यात्मिक साधक की प्रार्थना और शरणागति की भाव हैं। किसी भी साधक के जीवन में वे पल बड़े ही पुण्य फल वाले होते हैं, जब उसका सांसारिक संपदा से विच्छेद होता है और उसे व उसकी विचलित बुद्धि को कोई सद्गुरु मिलते हैं, और वे सद्गुरु उसे गायत्री मंत्र प्रदान करके उसको आदि शक्ति का तात्विक रहस्य समझाते हैं, और तब प्रारंभ होती है उसकी साधना। इतनी बातें गायत्री मंत्र की पृष्ठभूमि के रूप में इस प्रथम चरित्र में चित्रित हैं। इसके बाद की बातें जो कि गायत्री के प्रथम चरण में है, उनका साक्षात्कार आध्यात्मिक साधक का मन करता है। इस क्रम में पहले वह परमात्मा का एहसास निर्विशेष योग निद्रालीन अवस्था के रूप में पाता है। यही तत् शब्द का योग रहस्य है। इस अवस्था में भगवान भक्त की मदद नहीं करते, क्योंकि उनकी क्रियाशक्ति उनमें अंतर्लीन है। जब साधक का मन आदि शक्ति को पुकारता है,
उनकी शरण में जाता है तब होता है तमस का निराकरण। वरेण्यम के स्वरों में यही भाव निहित है। वरेण्यम की साधना के प्रभाव व परिणाम के रूप में ही तत् से सवितुः का सत्य प्रकट होता है। भगवान की क्रिया शक्ति तमोगुण विनाशक सविता देव के रूप में प्रकट होती है। सविता की शक्ति सावित्री है, यही महाकाली हैं, कालरात्रि हैं। इन्हीं की कृपा से कुंडलिनी का जागरण का महापर्व संपन्न होता है। इन्हीं की कोख से सृष्टि जन्म लेती है। आदि शक्ति की इस लीला कथा के प्रथम चरित्र में कई तरह के कैरेक्टर हैं, यानी चरित्र हैं, जिनके अपने गहरे प्रतीकात्मक आध्यात्मिक अर्थ हैं। कथा में इन विविध चरित्रों में मार्कंडेय ऋषि, राजा सुरथ, समाधि वैश्य, महर्षि मेधा, जो महामाया का तत्व बताते हैं। इन चरित्रों में गायत्री साधक की साधना पूर्व की पृष्ठभूमि का चित्रण है। इसके बाद भगवान विष्णु, इनकी कमलनाल से उपजे ब्रह्मा जी हैं, मधु व कैटभ हैं, जो साधक की साधना के अवरोध हैं। भगवती कालरात्रि महाकाली हैं, जो इस संपूर्ण कथा की अधिष्ठात्री हैं। इस कथाभाग का पहला चरित्र ऋषि मार्कंड जी का है। ऋषि मार्कंड जी इस संपूर्ण कथा में कहीं भी कोई भूमिका नहीं निभाते, वे तो केवल कथा सुनाते हैं। वे इस कथा के सूत्रधार हैं। मार्कंडेय की जीवन कथा की खोज यदि पुराणों में करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने भगवान महाकाल की आराधना की और उनकी कृपा से वे उन्हीं का अंश और उन्हीं का रूप बन गए। इस तरह से वे ये संपूर्ण कथा भगवान महाकाल के अंश एवं प्रतिनिधि के रूप में सुनाते हैं। और सचमुच ही भगवान महाकाल और उनके अंश और उन्हीं का स्वरूप बन जाते हैं। कथा में दूसरा चरित्र राजा सुरथ का है, जो कि पृथ्वी तत्व प्रधान इस शरीर का स्वामी जीवात्मा है, जो आसुरी शक्तियों द्वारा पराजित एवं हताश है। तीसरा चरित्र समाधि वैश्य का है, जो कि बुद्धि है। ये अब अपने ही परिवार के सदस्यों, मन एवं इंद्रों के द्वारा तिरस्कृत एवं बहिष्कृत है। चौथा चरित्र महर्षि मेधा का है। इनका आश्रम विंध्य पर्वत श्रृंखला में है, जो कि साधक का हृदय स्थान है। यहाँ पर निवास करने वाले महर्षि मेधा वस्तुतः योग साधक की अंतर प्रज्ञा हैं। इस साधना में मेधा ऋषि के द्वारा बताए गए सत्य का साक्षात्कार होता है और प्रकट होता है इसका पांचवा चरित्र, जो कि स्वयं परमात्मा है। आध्यात्मिक साधक अपनी श्रद्धा एवं विश्वास से इनका अनुभव करते हैं। इन्हीं का अंश अगले छठवें चरित्र, जो कि ब्रह्मा जी का है, उनका अनुभव गायत्री साधक में आध्यात्मिक मन के रूप में होता है। इस मन को पीड़ा पहुंचाने वाले दो असुर हैं, मधु और कैटभ। ये क्रमशः मोह एवं भय हैं, जो कि साधक की संपूर्ण साधना को नष्ट कर देना चाहते हैं। और तब आध्यात्मिक मन, जिसे अपने सद्गुरु द्वारा गायत्री तत्व का प्रबोध मिल चुका है, वह पुकारता है आदि शक्ति परमेश्वरी को। वह कृपा करके तम का निवारण करती हैं और प्रभु का सविता रूप प्रकट होता है। इसी के साथ होता है विघ्नों का निवारण, साथ ही साधक की चेतना में आध्यात्मिक ऊषा का प्रादुर्भाव होता है। इस कथा सत्य का विस्तार हम आगामी वीडियो में करेंगे, जिसके माध्यम से गायत्री साधक गायत्री साधना के मर्म को समझेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना